स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू फ्रॉम 11th A, रोल नंबर 2। आज हम सभी होम साइंस का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, पार्ट बी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्फ, स्वयं को समझना, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। इस माइलस्टोन चार्ट के थ्रू हम 1 मंथ टू 24 मंथ की बेबीज के चेंजेस, डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज को जानेंगे। 1 मंथ के जो बेबीज होते हैं वो पेट के बल लेटना स्टार्ट कर देते हैं 1 मंथ में, और वो साउंड का रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देते हैं। वो रिस्पॉन्ड वो कई तरीकों से दे सकते हैं, जैसे कि वो हाथ पैरों को हिला के, या अपनी आंखों के इधर इधर करके, या हंस के, बहुत डिफरेंट वे से वो अपना रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। 2nd मंथ के जो बेबीज होते हैं, अगर हम उनका कोई भी सामान ले लेते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो वो अपनी आंखों से हम अपने सामान को फॉलो करते हैं, और होल्ड अप, मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए हमारी, जैसे हम कभी कभार अपनी उंगली उनके हाथ में पकड़ाते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं शॉर्ट पीरियड तक, मतलब थोड़े समय तक वो हमारी उंगली पकड़ लेते हैं। और 3 मंथ में क्या होता है, वो हंसना व खिलखिला के हंसना शुरू कर देते हैं, और अपने चीजों का भी वो ध्यान देते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज उनकी हम ले लेते हैं, तो मतलब अगर कोई स्ट्रेंजर उनकी चीज लेता है तो वो रोने लगता है, अगर मतलब कोई वो अपना लेता है तो उतना वो केयर नहीं। और 4 मंथ में क्या होता है, वो कन्वर्सेशन को पहचानने लगते हैं, जैसे कि अगर हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्स देते हैं, हंसते हैं या पैर पटकते हैं, जो भी ये रिस्पॉन्स डिफरेंट वे से दे सकते हैं। और कैन रिकॉग्नाइज, अपने लोगों को वो पहचानते हैं, अपने माता पिता, अपने परिजनों व अपने सामानों को भी वो पहचानने लगते हैं 4 मंथ में। और 5 मंथ में क्या होता है कि वो अपने हाथ पैरों से खेलना शुरू कर देते हैं, और बोल्ड कलर को, गाढ़े रंगों को वो पहचानना शुरू कर देते हैं 5 मंथ में। और 6 मंथ में क्या होता है कि वो साउंड को पहचानते हैं, और 7th मंथ में क्या होता है कि वो उनके ना छोटे छोटे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो हम लोगों को दिखना शुरू हो जाते हैं, और वो स्ट्रेंजर को, एंजाइटी को, हम स्ट्रेंजर को पहचानना शुरू कर देते हैं, मतलब जैसे ये अपना व्यक्ति नहीं है, ये दूसरा है, हाँ ये मैं नहीं जानता। तो वो कुछ बच्चे होते हैं कि रोना शुरू कर देते हैं, तो मतलब उन्हें पता चल जाता है कि ये मेरा कोई अपना नहीं है, ये कोई दूसरा है, स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर एंजाइटी कहते हैं इसे। और 8th मंथ में क्या होता है, वो छोटी छोटी वॉइसेस निकालना शुरू कर देते हैं, मम्मा, दादा, ऐसे वॉइसेस निकालना शुरू कर देते हैं, और अपने हाथों और पैरों के साथ कोऑर्डिनेट बना के वो खेलना शुरू कर देते हैं। और 9th मंथ में क्या होता है कि वो अपने हाथ पैरों को ट्विस्ट करके खेलते हैं, और फिर इसके बाद 10th मंथ में क्या होता है, वो मुरकुइयां चलते हैं ना, जैसे दो हाथ को भी लेके और ग्राउंड के थ्रू चलते हैं, ऐसे वो शुरू कर देते हैं। और 11th मंथ में वो थोड़े समय के लिए ही खड़े हो जाते हैं, और 12th मंथ में क्या होता है कि वो मतलब इंडिकेट करते हैं गोस्ट क्यों, मतलब अपनी एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी। और 18th मंथ में वो पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे मैं, मेरा खिलौना। और 24 मंथ में क्या होता है कि वो सीढ़ियों पे चलने की कोशिश करते हैं, और छोटी बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट सबसे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर, शैशवावस्था के दौरान सेल्फ का निर्माण, जन्म से 2 वर्ष। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी, शैशवावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं। पहला, फिजिकली डेवलपमेंट, शारीरिक विकास तो हर स्टेजेस में होता है, तो इसमें भी होता है। पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे सरनाम का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी माँ, मेरा खिलौना। पिक्चर रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने लोगों को वो पहचानना शुरू कर देते हैं। अगर हम उनको कोई भी पिक्चर दिखाएंगे, अगर वो जानते होंगे तो उसका रिस्पॉन्स देंगे, पैर हिला के, हंस के देंगे। और रिकॉग्नाइज सेल्फ इन अ मिरर 15 to 18 मंथ, वो अगर हम छोटे बच्चों को ना मिरर पकड़ाते हैं, तो वो अपने आप को ना मिरर में छूने की कोशिश करता है, तो वह अपने आप को पहचानने लगता है 15 to 18 मंथ में मिरर में। जैसे अब हम टाइप्स ऑफ प्ले फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के खेलने के तरीके जानेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले खेलना पसंद करते हैं, उसे कहते हैं सॉलिटरी। और कुछ बच्चे होते हैं जो उनको खेलता देखते हैं, मतलब वो खुद खेलते नहीं है, लेकिन उन्हें खेल दूसरे बच्चे को देखना पसंद है, ऑन लुकर कहते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं समानता, जैसे नॉर्मल सारे बच्चे कर रहे होते हैं वैसे वो भी करते हैं, पैरेलल कहते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं कुछ ऐसे गेम खेलते हैं, तोड़ो, मड़ोड़ो और जोड़ो, उसे उस खेल को कहते हैं एसोसिएटिव। और कुछ बच्चे होते हैं जो सबके साथ मिलजुल के कोऑपरेट करते हैं, तो मतलब उस गेम्स को कहेंगे कोऑपरेटिव। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है सेल्फ ड्यूरिंग अर्लियर चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर,
प्रारंभिक बालावस्था के दौरान सब स्वयं की विशेषताएं 3 to 6 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली करेक्टर। जैसे हम मतलब इस एज में क्या होता है कि शारीरिक विकास होता है, तो उसके लिए बच्चे क्या होता है बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। जैसे मैं सबसे सुंदर हूँ, मतलब वो किसी से रिलेट नहीं करते अपने आप को, मतलब वो अपने आप के लिए बहुत अपने आप के वो बहुत बोल्ड समझते हैं कि मैं सबसे सुंदर हूँ। मतलब वो इस एज में वो अपनी शारीरिक विकास को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अ कंसर्ट एक्टिविटीज, मतलब अपनी एक्टिविटीज को लेके वो अपने आप के गुणों को पहचानते हैं। जैसे मैं तेज साइकिल चलाता हूँ, मैं तेज दौड़ता हूँ। अपनी एक्टिविटीज जो वो एक्टिविटीज करते हैं उनमें वो अपना टैलेंट ढूंढते हैं कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं ये अच्छा करता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ अ मेमोरी पावर, जैसे हमारे हमारे घर में माता पिता या परिजन होते हैं कि वो छोटे बच्चे को देख के बोलते हैं कि ये जब छोटा था बहुत हेल्दी था और हंसता था, तो वो अपने आप को उस जगह रख के देखते हैं, तो इससे वो अपनी उनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ इनर इमेजिनेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे तक मोबाइल्स देखता है, टेलीविजन देखते हैं, तो वो उन टेलीविजन मोबाइल में वो कार्टून देखता है। कार्टून में जैसे भीम हो गया, टोरेमोन हो गया, तो वो अपने आप को भीम का कैरेक्टर दे देते हैं कि मैं बहुत सबसे स्ट्रांग हूँ, मैं लड्डू खाऊंगा तो वो मैं ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। ऐसे अब जैसे कुछ बच्चे हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स को देख उनके इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, जैसे टेलीस्कोप हो गया, तो वो मतलब जब वो प्ले के लिए वो गेम्स के लिए टेलीस्कोप ले आएंगे तो मतलब वो अपने आप को क्या समझने लगता है, डॉक्टर, मतलब इनर इमेजिनेशन करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस तरीके का बन पाऊंगा, और मतलब अभी हूँ अनेबल टू रिकॉग्नाइज देयर डिफरेंट एट्रीब्यूट। मतलब वो अभी ये नहीं सोचते उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या कंपैरिजन है, मतलब वो अभी इस अवस्था में ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। सेल्फ ड्यूरिंग अर्लियर चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर में जब भी वो एक्टिविटीज करते हैं तो उस एक्टिविटीज पे बेसिस होते हैं कि मतलब मेरी ये एक्टिविटीज अच्छी है तो मुझे ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेना चाहिए और ये मेरा टैलेंट है और मैं ये सबसे अच्छा करता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ ड्यूरिंग मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, मध्यम तथा उत्तर बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की स्वयं 7 से 12 वर्ष। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकली डेवलपमेंट तो हम हर स्टेज में देखते हैं लेकिन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक भी हमें चाहिए होती है। मतलब कोई भी बच्चा है उसे अपना काम करने के लिए 100% चाहिए होता है। वो सोचता है कि मैं अपना काम 100% से करूँ कि मेरा काम हमेशा अच्छा हो, और जैसे मैं पढ़ने में तेज हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से वो अपना 100% देना चाहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। ऑन द बेसिस ऑफ अ सोशल आइडेंटिटी, अब वो छोटे बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलता है और वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। जब वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपनी समाज में पहचान बनाते हैं। जैसे मैं क्लास की जंगल टीम का हिस्सा हूँ, मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं रेस में पार्टिसिपेट करता हूँ, मतलब वो सोशल में अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अ सोशल कंपेरिजन, वो कंपेरिजन करते हैं अपने फ्रेंड से या फिर दूसरे बच्चों से कि ये मैं तो इन सबसे बहुत अच्छा भागता हूँ, मैं इन सबसे बहुत अच्छा साइकिल चला लेता हूँ। मतलब वो कंपैरिजन सीखते हैं इसमें अपने आप से, सोशल कंपैरिजन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अ रियल एंड आइडियल सेल्फ, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज करने के लिए उन्हें पता चल जाता है इस अवस्था में कि ये मुझे कोई भी चीज करनी है तो मुझे मेहनत करना, परिश्रम करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे को अच्छे अंक लाने परीक्षा में तो मुझे मेहनत करना, परिश्रम करना बहुत जरूरी है, तो उनको रियलिटी पता चलती है इस अवस्था में। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अमंग फ्रेंड्स, मतलब जैसे अब आजकल सबके फ्रेंड्स बहुत मॉडर्न हो चुके हैं तो वो सब बच्चे चाहते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स की तरह दिखें या उनसे बढ़ चढ़ के दिखें, तो वो अपनी एक्टिविटीज अपने फ्रेंड्स की तरह करने लगते हैं। हम मेजर चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, जैसे कंसेक्यूटिव डेवलपमेंट, ज्ञान संबंधित विकास होना उनका, और सोशल लर्निंग थ्योरी, मतलब समाज में जो भी हो रहा है तो उनको सीखना, वो बिहेवियर चाइल्ड डेवलपमेंट, कैसे दूसरों से बिहेव करना चाहिए उसका बिहेवियर चाइल्ड डेवलपमेंट, और सोशली ये थ्योरी, मतलब कैसे दूसरों के साथ मतलब कोऑर्डिनेट बना के कोऑपरेट करना चाहिए दूसरों के साथ, ये सब थ्योरी वो लर्न करते हैं। अटैचमेंट, अब हर किसी की कोई ना कोई चीज से अटैचमेंट होती है तो इस अवस्था में भी उन्हें अटैचमेंट होने लगते हैं दूसरी चीजों। और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे उन्हें पता चल जाता है कि इस वक्त मुझे वॉशरूम आया, मतलब उनके अंदर ये सारे डेवलपमेंट, उनके अंदर ये सारा विकास होने लगता है इस अवस्था में। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विकास।
सेल्फ अवेयर हो जाते हैं अपने लिए, वो मतलब बहुत अवेयर हो जाते हैं कि मेरे लिए अच्छा है मेरे बुरा है, मतलब हर के लिए वो अपने सेल्फ अवेयर हो जाते हैं अपने लिए। और सेल्फ क्रिटिकल, उनकी जो नाजुक होती है भी, वो अपने प्रति बहुत नाजुक होते हैं कि ये किसी ने मुझे टाट दिया, तो मतलब वो इसमें इमोशनली भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत नाजुक होते हैं इसमें, इस अवस्था में बच्चे। और इंक्रीज कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका इसमें बहुत अच्छा होता है। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, मतलब सोचने की जो वो क्षमता होती है ना, इसमें बहुत नाजुक होती है और बहुत अच्छी होती है। मतलब इसमें उनको ये नहीं पता होता कि ये मैं, मतलब उन्हें पता तो होता है कि ये मेरे लिए सही है, वो डिसीजन मेकिंग स्किल भी उनमें होती है कि मैं अब इस अवस्था में, वो बच्चे अपने लिए डिसीजन लेते हैं, लेना स्टार्ट कर देते हैं। एडोलसेंस डेवलपमेंट, फिजिकली डेवलपमेंट तो हर अवस्था में होती है, हर स्टेज में होती है। सोशली डेवलप्ड होते हैं इसमें ज्यादा लोग, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से वो मिलना शुरू कर देते हैं, वो सोशली डेवलप्ड होते हैं। अब जब वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलेंगे तो उन्हें ज्ञान तो मिलेगा ही, कॉन्सिक्यूटिव डेवलपमेंट तो अपने आप ही हो जाएगी। और इमोशनली, इसमें कुछ बच्चे इमोशनली भी हो जाते हैं इस एज में, और कुछ बच्चे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे इमोशनली इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें छोटी छोटी बात उन्हें थोड़ी बुरी लग जाती है, जैसे ये उन्हें सबके सामने क्यों डांट दिया, उनकी मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें वो करते हैं, इसलिए वो इमोशनल नहीं हो जाते थोड़ा। लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडोलेसेंस ऑफ अ सेल्फ, पहला है कॉन्ट्राडिक्टरी सेल्फ डिस्क्रिप्शन, मतलब उनके अंदर कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ उनके अंदर बुरी बातें भी होती है। जैसे वैसे तो मैं शांत रहता हूँ लेकिन आसानी से विचलित हो जाता हूँ, जैसे। और दूसरा एग्जाम्पल है, वैसे तो मैं काफी चुप रहता हूँ लेकिन अपने फ्रेंड के साथ मैं बहुत ज्यादा बातें करने लगता हूँ, मतलब इनके अंदर एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्चुएटिंग इन अ सेंस ऑफ अ सेल्फ, इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उनकी डिफरेंट डिफरेंट ट्राई होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं उनको गुजरने के लिए, तो वो इस अवस्था में अपने आप को सही से पहचान नहीं पाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन कंटेन द आइडियल एंड रियल सेल्फ, इस एज में क्या होता है उन्हें पता चलता है उन्हें फ्यूचर में क्या बनना है, क्या उन्हें आगे क्या करना है, इस एज में उन्हें पता चल जाता है। जैसे कि एक जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, तब उन्हें डॉक्टर बनने के लिए उनको पूरे जो गुण है उनके अंदर वो भी उनको डेवलप करने पड़ेंगे, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें बहुत सारी चीजें का पता चलता है इस एज में। जैसे एक लड़की है, वैसे तो वो सांवली है लेकिन वो गोरी बनना चाहती है और सुंदर दिखना चाहती है, तो मतलब उसे दिखना है, वो बनना ऐसा चाहती है, मतलब वो रियालिटी उसे ऐसा करना है, वो सोच रही है अभी आइडियल है, बट उसे रियलिटी में उसे क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी पाने के लिए क्या करना होता है, मेहनत जरूरी जरूरी होती है हमें, हमारे लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्शियसनेस, अब इस एज में उन्हें क्या लगता है कि सब उन्हीं को देख रहे हैं, सब उनको नोटिस कर रहे हैं, जैसे सब वो इसमें इस अवस्था में क्या वो सोचते हैं कि मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैंने मैंने मेरे को मेरे पे अच्छा रंग नहीं लग रहा, सब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसे चली गई, ये मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को वो करते हैं। जैसे वो उन्हें लगता है कि सारे लोग उनको नोटिस कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, उसमें लोगों को वो नोटिस करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या होता है कि फिजिकली डेवलपमेंट तो हर किसी में होता है लेकिन इंटरनली डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी होती है, आंतरिक गुणों का, पर वो अधिक बल देते हैं इस स्टेज में। जैसे वे शांत, वो सोचते हैं कि मैं शांत रहूं, मैं संवेदनशील हूँ, मतलब थोड़ा शांति से रहूं, बहादुर ब्रेव बनूं, भावुक ना हूं, मतलब इमोशनली ना हूं, सच सच बोलूं, सच का साथ दूं, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को वो चाहते हैं इस अवस्था में। और इन्फेंसी टू अडोल्सेंस, शैशव अवस्था से लेके किशोर अवस्था से हमने जो भी चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट होते हैं हम लोग, इमोशनली डेवलप्ड होता है, मतलब हमारे अंदर जो भी चेंजेस आते हैं इस चैप्टर में हमने वो पढ़े हैं। हम बचपन से लेके जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़े। और थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरे साथ मेरा इतना उत्साह बढ़ाया, थैंक यू सो मच। हेलो मैम।